नमस्कार, नमो नमः। आप सभी का बेहद स्वागत है सीआईईटी एनसीईआरटी के लाइव फोन इन इंटरैक्टिव कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। संस्कृत के आज के इस कार्यक्रम में हम पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 6, लौह तुला। अब लौह तुला एक कथा है जिसे हम बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान है जिन्हें बेहद खुशी होगी। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हम तक पहुंचाइए और वो उनके जवाब जरूर देंगे। आप इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर। अगर आपके पास कोई सवाल है तो फोन कीजिए, नंबर है 8800440559। इसके अलावा अगर आप हमें ईमेल करना चाहें और अपने सवाल हमें ईमेल के माध्यम से पहुंचाना चाहें तो ईमेल आईडी होगा dth.class9@cit.nic.in। आइए आपका परिचय करवाएंगे हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं डॉक्टर वाचस्पति नाथ झा मणि। स्वागत है सर आपका। मैम धन्यवाद। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों तक करवाना चाहेंगे। सर हैं सहायक आचार्य भाषा शिक्षा विभाग NCERT नई दिल्ली से। तो चलिए सर से पूछते हैं, हमारा ये जो पाठ नंबर 6 है उसका जो शीर्षक है सर लौह तुला, हम समझना चाहेंगे कि इसका तात्पर्य क्या होता है। जी, यह लौह तुला का तात्पर्य होता है लोहे की तराजू। जी, यह एक कथा है मैम, और कथा इस कथा को पंचतंत्र से लिया गया है, और पंचतंत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है महाकवि विष्णु शर्मा। उन्होंने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को राजनैतिक रूप से पारंगत करने के लिए एक कथा साहित्य का निर्माण किया जिसका नाम है पंचतंत्र, जिसमें कि पांच तंत्र हैं और उन्हीं पांच तंत्रों का नाम है वहां पर मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीयम, लब्ध प्रणाशः और अपरीक्षित कारणम। इसी पांच तंत्रों में से जो एक तंत्र है जिसका नाम है मित्र भेद, उस मित्र भेद नामक तंत्र से यह लौह तुला नामक कथा कक्षा 9 के लिए निर्धारित और संकलित और पाठ्यचर्या और पाठ्य पुस्तक का एक अंग बना हुआ है। जी सर, क्या आप हमारे दर्शकों को कथा पढ़ के सुनाना चाहेंगे? जी मैम, मैं इस कथा को जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। जी। मेरे प्रिय छात्रों, अयं पाठः विष्णु शर्मा विरचितस्य पंचतंत्रस्य इति कथा ग्रंथस्य मित्र भेद नामकात तंत्रात संपाद्यः गृहीतः अंशः अस्ति। अस्यां कथायां एकः जीर्ण धन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रति स्वगृहं निवृत्य न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। परंच सह धनिक वदति यत तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। ततः स वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तं तत्र मित्वा च सह एकस्यां गुहायां गोपितवान्। अथ तस्मिन् प्रत्यावृत्ते तेन सह पुत्रं अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति, मम शिशुः कुत्रास्ति? सः वदति यत् तव पुत्रः स्येनेन अपहृतः। तदा उभौ विवदमानौ न्यायालयं प्रति गतौ, यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। इति यह जो है यह इस कथा का सारांश है। अब मैं इस संपूर्ण कथा को पढ़ रहा हूं। आसीत कस्मिश्चित अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्रः। जीर्ण धन नाम का व्यापारी किसी स्थान पर रहता था। सच विभव छयात देशांतरम गंतुम व्योचिंतयत। वह विभव छयात अर्थात धनहीनता के कारण देशांतर अर्थात अन्य देश को जाने के चिंतन में जाने को सोचने लगा। और उस वह चिंतन करता है कि यत्र देशी अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्वविर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधमः। वस्तुतः जिस यत्र अर्थात जहां जिस देश में अथवा जिस स्थान में स्व पराक्रम से भोग को भोगा जाता है, भोगा जा सकता है,
उस स्थान पर विभवहीन हो करके रहना पुरुषों की अधमता है, अर्थात नीचता है। तस्य चौगृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो पार्जिता तुला आसीत। उसके घर में, उस जीर्ण धन नामक व्यापारी के घर में पूर्व पुरुषो पार्जिता, पूर्व पुरुष अर्थात उनसे जो पूर्व पुरुष हैं, जैसे कि पिता हैं, पितामह हैं, प्रपितामह हैं, वृद्ध प्रपितामह हैं, इन सभी के द्वारा उपार्जित एक तुला अर्थात तराजू है। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतां कृत्वा देशांतरं प्रस्थितः। वह उस तराजू को, उस तुला को श्रेष्ठिन, श्रेष्ठी अर्थात सेठ, जिसके पास बहुत सारे धन दौलत इत्यादि, जो अत्यंत धनवान होते हैं उनको सेठ कहा जाता है। तो श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। निक्षेप भूताम अर्थात वह जो उनका तराजू है, वह जो तुला है, उस तुला रूपात्मक धरोहर को उस सेठ के पास रख करके वह देशांतर अर्थात अन्य देश को वह चला जाता है। ततः सुचिरं कालं देशांतरं यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरं आगत्य तं श्रेष्ठिनम् अवदत्। वहां से वह, वहां पर वह बहुत दिनों तक देश देशांतर को स्वानुकूल, अपने अनुकूल भ्रमण करते हुए अपने पुर को अर्थात अपने देश को वह आकर उस सेठ से कहता है, भो श्रेष्ठ, हे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तुला, निक्षेप अर्थात धरोहर, तुला अर्थात तराजू, वह तराजू आप मुझे दें, जिस तराजू को मैं देश जाने से पहले आपको दिया था। सो अवदत्त, वह कहता है, भो नास्ति सा, वह तो नहीं है। तो वह नहीं है तो वह गया कहां? तो वह सेठ उनको उत्तर देता है, त्वदीया तुला मुसकहि भक्षिता, आपका जो तराजू है उस तराजू को चूहों ने खा लिया। जीर्ण धन अवदत्त, फिर वह जीर्ण धन कहता है, क्या कहता है जीर्ण धन? भो श्रेष्ठिन, नास्ति दोषस्ते, हे सेठ, इसमें आपका दोष नहीं है। यदि मूस के ही भक्षिता, यदि चूहों ने खा लिया, इद्रग इद्रग एवायम संसार, ऐसा ही यह संसार है, इद्रग एवायम संसार, न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, निश्चित नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। ततत्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय इति। तत् त्वम, तुम आत्मीयम एनम शिशुम, तुम अपने इस पुत्र को, धनदेव नामक अपने इस पुत्र को हाथ में स्नानोपकरण अर्थात स्नान से संबंधित जो उपकरण है, वस्त्र, साबुन इत्यादि, जो स्नान से संबंधित जो उपकरण है, उन उपकरणों को देकर के मेरे साथ उनको नदी में स्नान करने के लिए आप भेजें। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्त, वह सेठ अपने पुत्र को, स्वपुत्रम अर्थात अपने पुत्र को कहता है, वत्स, हे पुत्र, पितृव्योऽयं तव, तव अयम पितृव्यः, यह आपका चाचा है, स्नानार्थम यास्यति, यह स्नान के लिए जा रहे हैं, यह स्नान के लिए जाएंगे।
तद अनेन साकं गच्छ इति। अतः आप इनके साथ जाएं। अथासौ श्रेष्ठ पुत्रः धनदेवः अस्नानोपकरणं मादाय प्रोहिष्टमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। वह श्रेष्ठ पुत्र धनदेव नाम का जो वह श्रेष्ठ पुत्र है, वह स्नानोपकरण को लेकर के आदाय, स्नानोपकरण को लेकर के प्रहिष्ट मना, प्रसन्न मन से, प्रसन्न मन से उस अभ्यागत के साथ चल दिए। तथा अनुष्ठिते सौ वनिक स्नात्वा, उसी प्रकार से वह व्यापारी जीर्ण धन नामक व्यापारी स्नान करके तम शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य उस बच्चे को, किसका बच्चा है तो सेठ का बच्चा है, धनदेव नामक बच्चा है, उस बच्चे को वह क्या करता है तो गिरिगुहायां गुप्त गुफा में वह प्रक्षिप्य छुपा देता है और उसके द्वार को वह एक बृहत शिलाया पिधाय सत्परम गृहम आगता। वह एक बड़ी शिला से उस गुफा के द्वार को ढक देता है, बंद कर देता है, और सत्परम अर्थात जल्दी जल्दी वह अपने घर को आ जाता है। सश्रेष्ठी पृष्ठवान, सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, वह सेठ उनसे पूछता है, भोह अभ्यागत हे अभ्यागत, कच्छताम कुत्र में शिशु हो यह पयास नदीं गतः। हे अभ्यागत, आप बोले, आप कहे, कुत्र अर्थात कहां, मैं अर्थात मेरा शिशु अर्थात बालक, मेरा बालक कहां है। यह जो कि जो बालक त्वया सह नदीं गतः, किमर्थम गतः नदीं, वह नदी क्यों गया था, तो स्नान के लिए गया था। अर्थात वह कह रहा है जो मेरा बालक कहां है जो आपके साथ नदी में स्नान करने के लिए गया था। सौ अवदत, वह बोलता है, बोलते हैं, तब पुत्र नदी तटात सीएन हृतः, सीएन अर्थात, सीएन अर्थात बाज पक्षी विशेष का नाम है, बाज पक्षी जो कि दूर से ही किसी चीज को उठा करके और ऊपर उड़ जाता है आकाश मंडल में और पुनः उसको अपने अनुकूल व्यापार उसके साथ करता है। तब पुत्र नदी तटात, तुम्हारे पुत्र को नदी तट से सीएन हृतः बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तुम्हारे पुत्र को नदी तट से बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। श्रेष्ठी अवदत, मिथ्यावादी, झूठे, सेठ कहता है तुम झूठे हो, तुम झूठ बोलते हो, किं क्वचित सेनो बालम हर्तुं शक्नोति, क्या बाज बच्चा का अपहरण करने में समर्थ होता है, कर सकता है। तथा समर्पय में सुतम, मेरे सुत अर्थात बालक, सुत अर्थात बालक, मेरे बालक को तुम समर्पण कर दो, वापस दे दो, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा अहम राजकुले निवेदयिष्यामि, नहीं तो मैं राजा के कुल में जाऊंगा, राजा के दरबार में जाऊंगा, राजा के सभा में जाऊंगा और वहां जाकर के मैं निवेदन करूंगा। सो अकथयत, भो सत्यवादी, वह कहता है, हे सत्यवादी, यथा सीनो बालम ननयति, जैसे सीन यथा राजकुलम निवेदयिष्यामि, सो कथा भो सत्यवादी, यथा सीनो बालम ननयति तथा मूषका अपि लौह घटिताम
तुलाम न भक्षयन्ति। हे सत्यवादी, जैसे बाज बच्चे को, बालक को नहीं ले जा सकता है, वैसे ही लोहे की तराजू को चूहे नहीं खा सकता है। तदर्पयमि तुलाम, अतः आप मेरी तराजू को वापस कर दें, मुझको दे दें। यदि दारकेन प्रयोजनम, क्योंकि दारक शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है, दारक अर्थात पुत्र। इस पाठ में बालक के लिए दारक शब्द का भी प्रयोग किया गया है, वत्स शब्द का भी प्रयोग किया गया है, शिशु शब्द का भी प्रयोग किया गया है। यहां पर दारक कहा जाता है। दारकेन प्रयोजनम, यदि आपको अपने पुत्र से यदि मतलब है, प्रयोजन है, तो आप मुझे मेरी तुला वापस कर दे। एवं विवदमानौ त्वौ द्वावपि राजकुलं गतौ, इस प्रकार से विवाद करते हुए वे दोनों सेठ और जीर्ण धन नामक व्यापारी, जिन्होंने अपनी पूर्वजों से प्राप्त जो तराजू है, लोहे की तराजू जो सेठ के पास रखा था, एवं विवदमानौ तो द्वादपि राजकुलं गतौ, इस प्रकार से विवाद करते हुए दोनों सो राजा के कुल अर्थात राजसभा में जाता है। तत्र श्रेष्ठ तारस्वरेण अवदत, तार अर्थात जोर से, जोर की आवाज से, बहुत शोर करते हुए, बहुत भीषण आवाज में वह सेठ कहता है, क्या कहता है, भोः वांछितोहम वांछितोहम अब्रह्मण्यम अनुचित अनुचित आपके प्रजा में, आपके दरबार में अनुचित, हे धर्माधिकारी, हे राजा एवं राजा के लोग, ये अनुचित है, ये अब्रह्मण्य है, यह अनुचित है। अनेन चोरेन ममसितु शिशु अपहितः, इसी चोर ने मेरे बच्चे को, मेरे बालक को अपहरण कर लिया है। अब वह जीर्ण धन नामक व्यापारी को चोर कह रहा है राजसभा में। अथ धर्माधिकारी तम अबदन, अथ धर्माधिकारी ये च तस्याम खलु सभायाम, राजसभायाम राजकुले ये धर्माधिकारी ते धर्माधिकारिणः तम व्यापारिणम् अवदन्, भोः समर्प्यताम् श्रेष्ठसुतः, हे जिद्धन नामक व्यापारी, आप इस सेठ के पुत्र को समर्पण कर दीजिए। सो अवदत्, उन्होंने कहा, व्यापारी ने कहा, किम करोमि, क्या कर सकता हूं मैं, क्या करूं, पश्यतो मे नदी तटा श्येणेन शिशु अपहृतः, मेरे देखते देखते नदी तट से बाज के द्वारा उस बालक का अपहरण कर लिया गया। ये सब कुछ तो मेरे देखते देखते हुआ है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। ऐसा उत्तर वह जीर्ण धन नामक व्यापारी देता है धर्माधिकारियों को। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, उनको सुन करके, उनको अर्थात जीर्ण धन नामक व्यापारी को सुन करके वे लोग बोले, भोः भवता सत्यम नो अभिहितम, आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, किम सेमह शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज नामक जो पक्षी है वह शिशु के, शिशु का, शिशु को अपहरण करने में
समर्थ हो सकता है क्या, समर्थ होता है क्या? तब वह जब धर्माधिकारी लोग इस प्रकार से उनसे पूछे, तब जीर्णधन नामक जो व्यापारी है, वह व्यापारी कहता है, सो अवदत् भोः भोः श्रूयताम मदवचः, मेरी बातों को आप लोग सुने। कौन सी बात है जिनको कि हम लोग सुने? तो तुलाम लोहु सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजन् तत्र हरेच्छेनो बालकम् नात्र संशयः। तुलाम लोहु सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, मूषक जो है जब वह लोह की तुला को खा लिया है, खा सकता है, लोहे की बने तराजू को यदि मूस खा सकता है, मूसे खा सकता है, तो राजन तब तो बालक को बाज निश्चित ही हरण करने में समर्थ हो सकता है। ये तो संभव नहीं है कि लोहे की तुला को सो मूसक खा ले, काट ले। तो जब वह परस्पर विपरीत वचन करता है, तब इस प्रकार का कहते हैं, तो ते अप्रिक्षण कथम यतत, ये कैसे हो सकता है? तब श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं विद्यां वृत्तांतं न्यवेदयत। वह श्रेष्ठी उन सभी के आगे, उन सभ्यों के आगे, श्रेष्ठों के आगे आदि से पूर्व से सभी वृत्तांतों को कहता है। उस पर न्यायाधिकारी सब जो होते हैं, वे लोग हंसने लगते हैं, उन दोनों को समझा देते हैं, तो द्वावपि संबोध्य उन दोनों को समझा देते हैं, और शिशु वाले को शिशु प्रदान कर देते हैं, और तराजू वाले को तराजू प्रदान कर देते हैं, और दोनों को संतुष्ट कर देते हैं, जिससे कि दोनों सो राजकुल में जाकर के सुंदर न्याय को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार से यह लोह तुला नामक पाठ समाप्त होता है। सर, बेहद खूबसूरत पाठ था, और जिस तरह से आपने समझाया, मुझे लगता है बच्चों को बहुत पसंद आया, और वो घर जाकर एक बार फिर से इस कथा को जरूर पढ़ेंगे। सर, बेहद धन्यवाद, आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद सभी दर्शकों का भी, हमारे साथ आप जुड़े, और उम्मीद करते हैं संस्कृत का एक कार्यक्रम जहां हमने पाठ नंबर 6 लोह तुला, एक कथा है और ये हमने पढ़ी, सर ने आपको समझाई, आपको पसंद आई होगी। किसी भी कारणवश आपने ना देखी हो तो आप इसे देख सकते हैं बाद में NCERT ऑफिशियल हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। और इसी के साथ अगला जो कार्यक्रम है वो हमारा आने वाला है साइंस का कार्यक्रम, और बातचीत होगी वर्क एंड एनर्जी पर। कक्षा 9 के सभी छात्र हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाइए। मैं हूं तन्वी खुराना, आप सभी से मांगूंगी इजाजत। नमस्कार।